राष्ट्र का परचम गगन को चूम कर लहरा रहा, वर्तमिर अज्ञानता का और भी गहरा रहा। देश की प्रतिभा सराही जा रही है विश्व में, कोटि जनता का हृदय बिन ज्ञान के कुमला रहा। कोटि जनता का हृदय बिन ज्ञान के कुमला रहा। आइए हम ज्ञान का दीपक जलाएं, आइए अक्षर सुधारस का पिलाएं, हम बचाएं लाज अपने पूर्वजों की, विश्व के गुरु की मिली थी इनको संज्ञा। आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग, कैसे हैं दद्दू? ठीक है बेटा। दद्दू मिल में आपको सब लोग बहुत याद करते हैं। बेटा ले चलना मुझे भी एक बार वहां, ऊपर जाने के पहले मैं एक बार उन सब लोगों से मिल लेना चाहता हूं जो आज तक मुझे अपने दिल में बसाए बैठे हैं। नहीं पिताजी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, अभी आपकी हेल्थ नहीं अलाउ करती है। एक आइडिया है, क्यों ना हम दद्दू की एक बढ़िया सी फिल्म बनवाकर उसके कैसेट्स मिलों में भेज दें, और मिलों की भी फिल्म बनवा लें जो दद्दू देख सके। आइडिया तो बहुत अच्छा है, इस तरह तो दादाजी हीरो बन जाएंगे। मैं तो दादाजी को जरूर लेके जाऊंगा। कैसे लेके जाएगा तू? हाँ इतनी खराब तो सड़कें हैं। पता है एक बार मैं तुम्हारे पापा के साथ वहां गई थी, इन्होंने कहा था कि पिकनिक पे ले जा रहे हैं। इतनी खराब सड़कें थी कि गेस्ट हाउस पहुंचने से पहले ही मेरी तबीयत खराब हो गई, हमें तुरंत वहां से लौटना पड़ा। उस समय तुम 3 महीने के पेट में थे। ना बाबा ना, मैं तो पिताजी को नहीं जाने दूंगा। मम्मी ऐसी बात नहीं है, अब तो बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। अच्छा दादू मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छा। नाश्ता तो कर लो पूरा। नहीं मैं ऑफिस में कर लूंगा। जी जब मुझे पता चला कि आप गेस्ट हाउस आ रहे हैं तो मैं आपके दर्शन लाभ करने के लिए यहीं हाजिर हो गया, सोचा आपका यहीं इंतजार कर लेता हूं। चलिए अंदर बैठकर बात करते हैं। जी बैठिए। जी धन्यवाद। एनी प्रॉब्लम? सर जो खुद एक प्रॉब्लम रहा हो आज तक, उसे भला आप लोगों के होते हुए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कहिए नेताजी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अक्षय बाबू ये क्या कर रहे हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अगर उस दिन आप ना होते तो उस बच्चे की जान चली जाती। वास्तव में अब आकर समझ में आया कि पढ़ना लिखना हमारे लिए कितना जरूरी है। सच मैं आज तक जो कर रहा था वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मजदूरों को पढ़ा लिखा कर उन्हें साक्षर बनाने का जो बीड़ा आपने उठाया है, सच एक मायने में ये सच्चा इनकलाब है। काश हमारे देश में 150 और अक्षय बाबू हो जाएं तो हमारा देश शिक्षा की रोशनी से चमक उठेगा। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे सर, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। सर आप हम मजदूरों के लिए इतना करते हैं
तो हम चाहते हैं कि आपके इस महान कार्य में, जो केवल आप ही का नहीं हम सबका महान कार्य है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका हाथ बटाएं। सर एक प्रार्थना और है। हाँ हाँ कहिए। अगर हमारी बस्ती में मजदूरों की औरतों के लिए एक स्कूल खुल जाता उन्हें पढ़ाने के लिए तो बहुत मेहरबानी होती, क्योंकि सर अगर ये औरतें पढ़ी लिखी होती, ये बच्ची जिसके साथ ये हादसा हुआ इसकी माँ पढ़ी लिखी होती तो ये हादसा उस बच्ची के साथ ना होता। वो पर्ची पे लिखी हुई दवाई उसने पढ़ ली होती तो उस बच्ची की हालत ना होती। चलिए थोड़ी देर से ही सही, आप लोगों को पढ़ाई का मतलब तो समझ में आया। जी प्रसाद साहब, आप एक काम कीजिए, महिलाओं के लिए अलग से पढ़ाने का इंतजाम कीजिए। नेताजी अब आप लोग हमारे साथ आ ही गए हैं तो हमारा साथ थोड़ा और बढ़ गया है, लगता है हम अपने मिशन में जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। जी निश्चित रूप से। अच्छा सर मैं आज्ञा चाहूंगा, काफी समय लिया आपका, धन्यवाद। राधा के लिए पढ़। अब मैं क्यों पढ़ूं, किसके लिए पढ़ूं? नी राधा के लिए पढ़। अब मैं क्यों पढ़ूं, किसके लिए पढ़ूं? नी राधा के लिए पढ़। नी राधा के लिए पढ़। नी राधा के लिए पढ़। डबल ड्यूटी के चक्कर में यार बड़ी परेशानी है। दो दिन से कर रहा है। मेरे तो यार तीन दिन से डबल ड्यूटी थी। कासे कबूतर, कासे खरगोश। देख कबूतर जा रहा है, खरगोश भी तो साथ में है। और तीसरा कौन है? तीसरा कौवा है। जयराम दिस साइड, गुड मॉर्निंग रोनी, जरा सा प्लीज कम। यस सर। हाँ वो चेयरमैन साहब के पास जो हम लोगों ने चिट्ठियां भेजी थी सिग्नेचर होके वो डिस्पैच हो गए या नहीं? डू यू नो दिस स्टेटस? सर आई डोंट नो एनीथिंग, आई विल चेक अप एंड आई विल गेट बैक टू यू सून। प्लीज आई विल डू दैट। Give me the position. Sure, definitely. Hello, Jaram speaking. Ah, Patil. Ah, dear. Good morning to you. मैं actually तुमसे बात करना चाह रहा था। एक चीज़ तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, आवर चेयरमैन वॉज वेरी हैप्पी हाँ विद योर परफॉर्मेंस। ओके अच्छा सुनो, ऐसा है कि एक स्कीम बनाया गया है जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे इलिटरेट वर्कर्स हैं ना उन लोगों को लिटरेट बनाना है। इस बारे में अगर तुम डिटेल जानना चाहते हो तो जयशंकर से टेलीफोन से डिटेल्स ले लेना। हाँ हाँ उसके पास है, वो चेयरमैन ने भेजा भी है एक डिटेल चिट्ठी भी उनके वहाँ। हाँ 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 अच्छा और सुनो, वो तुम्हारे गेट के ऊपर जो गणपति जी का जो है ना स्टैचू, वो स्टैचू हमारे चेयरमैन को बहुत पसंद आया है। वो स्टैचू का तुम एक काम करना, ऑर्डर दे देना, ऑर्डर दे के जितना जल्दी हो सके हाँ मंगवा के फिर इधर भिजवा देना। हाँ ही लाइक्ड इट वेरी मच। ओके एनीथिंग एल्स? ओके हेलो मिस्टर शर्मा। और क्लासेस अच्छी चल रही हैं? बहुत बढ़िया चल रही है, अब तो अटेंडेंस भी काफी इम्प्रूव्ड है। या अच्छा ये शिफ्ट खत्म होते ही ये लोग सब आ जाते हैं ना? जी हाँ बिल्कुल आ जाते हैं।
मतलब पूरा एक घंटा? हाँ, अब तो अच्छी इनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। अच्छा, और शिफ्टिंग के बाद ये पूरा अपना मतलब एक घंटा पूरा पढ़ाई होती है। तब तो काफी कुछ सीख भी लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, आप लोगों में से अपना अपना नाम कौन लिख सकता है? वेरी गुड, सभी लिख सकते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा, कोई अखबार भी पढ़ सकता है? आप पढ़ लेते हैं? शाबाश, ये तो बहुत अच्छा हो गया। चलो ठीक है, आप लोग कैरी ऑन अपना काम शुरू रखिए, मैं चलता हूँ। हेलो, हाँ जयराम स्पीकिंग। हाँ मोहंती, हाँ मैं तुम्ही को चाह रहा था भाई, ढूंढ रहा था। हाँ हाँ, क्या भाई तुम्हारा टेलीफोन बहुत एंगेज आता है। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, हमारे चेयरमैन जो है ही इज़ वेरी हैप्पी। हाँ, द वे यू हैंडल द लेबरर्स देयर। यस यस यस, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ अच्छा, अनदर थिंग के वी आर प्लानिंग सम एड्स वगैरह देना है अपने एम्प्लॉयज को रिलीफ वगैरह के लिए। उसके लिए एक डिटेल इशू भी हुआ है लेटर। हाँ अच्छा, तुमको वो ट्रक मिल गया? ट्रक पहुंच गया वहाँ पे? अच्छा, ब्लैंकेट्स के साथ? ऑल दैट्स वेरी गुड। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, तुम एक ऐसा करना कि ये जितने भी हमारे क्लासेस हैं ना, इन क्लासेस को तुम जितने जल्दी हो सके शुरू कर देना, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं ना, कि उनका ये जो लिटरेसी कैंपेन है ये हमारा सक्सेसफुल हो जाए। बिकॉज आवर चेयरमैन डजेंट वांट टू सी एनी थंब इंप्रेशन ऑन आवर पेशेंट्स एनी मोर। हाँ हाँ, उसको जितने जल्दी हो सके वी शुड ट्राई टू यस यस मेक ऑल आवर वर्कर्स लिटरेट। ये क्या है बेटा? ये इसका उच्चारण आधा अ माना जाता है। अक्षय इधर आ बेटा। जी दादी। ऋचा से मिला था, फोन पर बात करी थी उससे? नहीं दादाजी। रश्मि। जी दादू। बेटा तूने की थी ऋचा से बात? नहीं दादू, वो एक्चुअली बेटे एंगेजमेंट हुए वे बहुत समय बीत गया, अब वो हमारे परिवार की सदस्य है, संपर्क बना रहना चाहिए। और फिर सतपाल ने जो संस्कार उसको दिए हैं वो खुद आगे रहकर फोन नहीं करेगी। अक्षय जी, तुम कल समय निकाल कर ऋचा से मिल लो बेटे। ठीक। वो बिटिया रश्मि, तू भैया के साथ ही चली जाना। जी। हाँ नेताजी, इस काम में मुझे आपका सहयोग चाहिए। लोग अभी तक कक्षा में नहीं आ रहे। अब मैं क्या कर सकता हूं प्रसाद साहब, अब आप ही बताइए। जिस आदमी के बाल सफेद हो चुके हों और आंखों से कम दिखाई देने लगा हो, अब वो इस उम्र में चौक पकड़कर का खा गा घा कैसे लिखेगा? और नाती पोतों वाला बूढ़ा जब घर पे गिनती याद करेगा है, तो उन बच्चों के सामने क्या होगा उसका? नहीं नहीं नहीं, यही सब तो आपको उन्हें समझाना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब जगे तभी सवेरा। वो तो ठीक है प्रसाद साहब, पर चलिए आप कह रहे हैं तो देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। भैया थैंक्स बोलो मुझे कि आप दोनों को मिलवा दिया, वरना आपका तो कुछ नहीं हो सकता था। सॉरी ऋचा, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकता। वो क्या हुआ, जब से वापस आया हूँ दादाजी ने मिलो के दौरे पे भेज दिया, टाइम ही नहीं मिला। तुम भी जाने क्या सोच रही होगी, है ना? क्या लोगे आपको? कॉफी चलेगी? चलेगी ना। हाँ हाँ कॉफी, फ्री कॉफी सेपरेट। चलो माफ किया।
अब बोलो शादी कब कर रहे हो? अरे आप तो कुछ बोलेंगी नहीं हाँ, फिर आपको एक वकील चाहिए ना, नहीं तो ना तो केस आगे बढ़ेगा और ना फैसला होगा। वेरी नाइस। ये हुई ना बात, तो डर गई आप वकील से, कहीं भारी फीस ना चुकानी पड़े। हाँ ठीक है, कर लो अपनी पैरवी अपने आप, मुझे क्या है, दद्दू के सुप्रीम कोर्ट में तो मैं ही काम आऊंगी। अच्छा बबल लो, मैं अपने केस की पैरवी को वापस ले लूंगी, तुम ही कर लो मेरी बहस। भाई मुझे तो फैसला सुनने से मतलब है। और फीस मुंह मांगी फीस दूंगी। ओके देन, सो मिस्टर अक्षय, हैव यू हर्ड द थ्योरी ऑफ न्याय शास्त्र, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सो व्हाट डू यू से? आई मस्ट फॉलो द जजमेंट ऑफ योर ऑनर। So this court is adjourned to meet tomorrow again. भैया मैं जरा एक मिनट हो क्या? रश्मि को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा, नहीं तो जब देखो किताबों में मस्त रहती है। हेलो मामा, मामा कहाँ हैं आप? मामा मेरी एक फ्रेंड का है ना आज बर्थडे है, और आपको और पापा को जरूर चलना है। मामा प्लीज, मामा पहली बार तो कह रही हूँ। हाँ मामा, वो आपकी बनारसी सिल्क की नई साड़ी है ना, वो पहनिएगा। तो क्या हुआ मामा, भैया की शादी के लिए नहीं आ जाएगी? और हाँ पापा को भी अच्छा सा सूट पहनाइएगा। ओके बाय। हेलो दद्दू। हाँ दद्दू, 9 बज जाएंगे मुझे। हाँ दद्दू, वो मेरी सहेली है ना लक्ष्मी, आज उसकी बर्थडे पार्टी है और आपको जरूर चलना है, मैं आपको लेने आ जाऊंगी। हाँ और दद्दू, मैंने जो आपके कुर्ते सिलेक्ट किए थे ना, उनमें से एक पहनिएगा प्लीज। हाँ और 8:30 बजे एग्जैक्ट तैयार रहिएगा। हाँ ओके। हेलो अंकल जी। हाँ अंकल जी, अंकल वो आज ना एक डिनर पार्टी है और दद्दू भी आ रहे हैं, माँ भी आ रही हैं। हाँ और आपको और आंटी को स्पेशली इनवाइट किया है। हाँ अंकल वो शादी है ना, तो अच्छे से कपड़े पहनिएगा प्लीज़। हाँ और आपके वहाँ पड़ोस में गुलाब की पंखुड़ियाँ मिलती है ना, वो भी लेते आइएगा, यही कोई 2 किलो। हाँ ओके अंकल बाय। ॐ गजानं भूतगणादिदेवतं कपित्थजं फलचारु भक्षणं वाशकं शोकविनाशकारकं तमां शरणारपङ्कजं मङ्गलं भगवान् विष्णुं मङ्गलं सर्वस्वतः मङ्गलं पुण्डलीकाक्षं मङ्गलाय तनो हरि। ॐ स्वस्तिना इन्द्रो वृषभाः, स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिनस्तारक्षो हरिशनेमि, स्वस्तिनो बृहस्पति ददातु। ॐ शांति शांति शांति। अब वर और कन्या परमात्मा को पुष्प अर्पित करें। चलिए मंगल कार्य संपन्न हुआ, परमात्मा आपको लंबी आयु दे। राजीव भाई 9:45 बज गए और रश्मि अभी तक नहीं आई। अरे हाँ, हम तक तो वहां एक भी कट गया होगा। कि चाचा जी, मुझे तो वो कह रही थी उसकी सहेली की शादी है। अरे बेटा चुलबुली बच्ची है, जल्दी जल्दी में उसके मुंह से बर्थ देख देकर शादी निकल गया होगा। अरे राजीव देखना बेटा ये क्या हो रहा है बाहर। स्वागत कीजिए। रुको रुको, हाँ चलिए।
ये सब तुम लोगों ने प्लान कैसे किया? ये सारी प्लानिंग रश्मि की है। तभी वो मुझसे फोन पे कह रही थी कि मम्मा जरी वाली साड़ी पहनना। मैंने कहा कि नहीं, वो साड़ी मैंने अक्षय की शादी के लिए रखी है। तो बोली नहीं मम्मा, वही साड़ी पहनना, साड़ियाँ तो और बहुत सी आ जाएंगी। कितनी चालाकी से हमें शादी वाले कपड़े पहना दिए। और सबसे ज्यादा फायदे में तो चाचा जी मैं रहा, मुझसे तो गुलाब की पुखड़ियों में छुट्टी करा लो। बेटा रश्मि, तुम्हारे दिमाग में ये सब आया कैसे? दरअसल पापा, दद्दू की इच्छा थी जल्द से जल्द घर में बहू लाने की, और उनके दिल की बात में जान गई कि अगर सब कुछ प्लानिंग से हुआ तो कम से कम 6 महीने लगेंगे। पहले पंडित बुलवाया जाएगा, उसके बाद मुहूर्त निकलवाया जाएगा, उसके बाद आएगी मम्मी और पापा की एंगेजमेंट लिस्ट, और मुहूर्त के हिसाब से उनके डेट्स खाली नहीं होंगे, और जब तारीख तय होगी तो वापस पंडित बुलवाया जाएगा। उसके बाद आएगा इनकम टैक्स कंसल्टेंट, उसकी भी राय ली जाएगी, और इन सब के बाद जाकर सिलसिला शुरू होगा तैयारियों का। फिर शादी के पंडालों के कैटलॉग्स और कोटेशंस मंगवाए जाएंगे, फिर वो शहर के बेस्ट केटरर्स बुलवाए जाएंगे, और फिर मेनू तय किया जाएगा। उसके बाद दोनों फैमिलीज बैठकर विवाह स्थल के बारे में निर्णय लेंगे। उसके बाद बहस होगी शादी के कार्ड्स पर, फिर इनवाइटीज की लिस्ट बनाई जाएगी, और फिर यही सारी एक्सरसाइजेस लड़की वालों की तरफ से भी होंगी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मम्मी पापा और अंकल आंटी को इन सारी झंझटों से बचा लूं और दद्दू को जल्द से जल्द उनकी बहू ला कर दे दूं। क्यों दद्दू, तोड़ दिया ना सारा रिकॉर्ड मैंने। अब देखे दद्दू, 50 लाख के फरार इनामी मुजरिम को भी बड़े से बड़ा पुलिस अफसर इतनी जल्दी गिरफ्तार नहीं कर सकता, और मैंने मतलब रश्मि ने 24 घंटे में आपकी बहू को आपके सामने ला कर खड़ा कर दिया। तो दद्दू, अब मेरा इनाम निकालिए और भाभी मेरी फीस। बेटा रश्मि, अब तो सब कुछ ही तुम्हारा हो गया है। पापा ऐसे नहीं छोड़ने वाला, शादी में होने वाले खर्च को वक्त आने पे वसूल करूंगा। आज हमें ये जान के बड़ी खुशी हुई कि आप में से बहुत लोग अपना हस्ताक्षर करना सीख गए, और कुछ लोग तो अपना नाम भी पढ़ लेते हैं। ये एक उपलब्धि है, लेकिन इसका मतलब आप लोग ये ना समझे कि आप लोग पूरी तरह पढ़ाई लिखाई सीख गए। आप लोगों को अभी और बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। तो हम एक काम करते हैं, बारी बारी करके इस बोर्ड पे एक एक व्यक्ति का नाम लिखते हैं, जिसका नाम है वो उठ करके अपना नाम पढ़ेगा। तैयार हैं सब लोग? अच्छा, बताइए ये किसका नाम है? अरे शाबाश रामदीन, अब आप सब लोग रामदीन के लिए तालियां बजाइए। रामदीन, अब आप दाईं तरफ बजाइए। चलिए अब मैं दूसरा नाम लिखता हूं। ये बताइए किसका नाम? साहब जी, ये तो मेरा नाम है। शाबाश राजेश, अब आप लोग जोरदार तालियां राजेश के लिए बजाइए। ठीक, अब राजेश तुम भी दाईं तरफ बैठ जाओ। अब मैं तीसरा नाम लिखता हूं। बताइए ये किसका नाम है? बताइए, ये चरण दास है। चरण दास, तुम अपना नाम नहीं पढ़ सके? तुम्हें दाईं तरफ नहीं बैठना क्या? बैठना है सर। कब बैठना है? कल बैठे। देखिए, आप लोगों में से बहुत से लोग आज दाईं तरफ नहीं बैठ सके, क्योंकि वो अपना नाम नहीं पढ़ सके, उन्होंने अच्छी तरह तैयारी नहीं की। आज के बाद जब मैं अगली दफा आऊंगा
तो आप लोगों में से ज्यादातर लोग दाईं तरफ बैठने चाहिए, यानी अपना नाम पढ़ने चाहिए, अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए। तो अगली बार आप लोग सारे तैयार होकर के आएंगे ना? शाबाश। याद है बेसंत वे अपने मनीषी, विश्व भर को स्वयं के दर्शन दिए थे, ज्ञान और विज्ञान का आलोक पाकर विश्व मानव के मलिन मन खिल उठे थे। स्वर्ग में वो सोचते क्या आज होंगे, ज्ञान को जो धर्म अपना मानते थे। आइए हम राष्ट्र को शिक्षित बनाए, अज्ञान के संताप को दिल से मिटाए। आज यदि ऐसा नहीं हमने किया तो होगी ये उन देवताओं की अवज्ञा। आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा।